शिवराज चौधरी फिर बने गत्ता उद्योग संघ के अध्यक्ष। बीवीएन गत्ता उद्योग संघ की बैठक बद्दी के किशनपुरा में संपन्न हुई। बैठक में संगठन की कार्य प्रणाली पर विस्तार से चर्चा के बाद अध्यक्ष हेमराज चौधरी ने वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत कर सभी सदस्यों को कार्य प्रणाली से अवगत करवाया। बैठक में गत्ता उद्योग संघ के 60 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। इसके पश्चात गत्ता उद्योग संघ के वरिष्ठ एवं पूर्व प्रशासनिक अधिकारी वीआर वर्मा की देखरेख में चुनाव करवाया गया, जिसमें सत्या पैकेजिंग के एमडी हेमराज चौधरी को द्वारा सर्वसहमति से बीवीएन इकाई का प्रधान चुना गया, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशील सिंगला, तेजेंद्र बंसल व पंकज मित्तल को उपाध्यक्ष, अशोक राणा को महासचिव, नवीन वत्स को संयुक्त सचिव, विकास सिंगला को वित्त सचिव, बलराम अग्रवाल को प्रेस सचिव की जिम्मेवारी सौंपी गई। हेमराज चौधरी ने उपस्थित सदस्यों को विश्वास दिलाया कि जिस तरह से उन्होंने उद्योगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए भरपूर प्रयास किए हैं और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है, उन्होंने कहा कि वो अब उससे भी ज़्यादा प्रयास करेंगे और सभी के साथ मिलजुल कर गत्ता उद्योग संघ की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाएंगे। बैठक में मोहित गर्ग, गौरव गर्ग व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इसमें ऐसा है कि हमारे बीबीएनपीए में 120 के करीब हमारे कॉरपोरेटर उद्योग हैं, जिसमें और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है तो इन कॉरपोरेटर ने दे रखी है, और आने वाले टाइम में जैसे कि हमारी डिमांड्स है हम इनके फेवर, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लगातार लॉस में जा रही है और बीच में 6 महीने में कभी रेट बढ़ जाते हैं और हमें जो एंड कस्टमर है वो रेट इतने मिल नहीं पाते, और हम इसको एसोसिएशन लेवल पे हमारे जितने कॉरपोरेटर भाई घाटे में चल रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए हम पुरजोर कोशिश करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से भी कि हमें कुछ ना कुछ, जैसे हमने ज़्यादा उद्योग दे रखे हैं, हमें कुछ ना कुछ जीएसटी में हमें रिबेट मिलनी चाहिए स्टेट की तरफ से, और जो यहाँ पे पेपर मिल्स है वो बहुत ज़्यादा वो कम है, हमारा जो मैक्सिमम क्वालिटी पेपर है वो यूपी और अदर स्टेट से आता है, तो हमारी भी एक कोशिश है गवर्नमेंट से कि इसमें करके हमारी हेल्प की जाएगी, जो हमें लोकल लेवल पर अगर हमें पेपर मिलता है तो हमारी कॉस्टिंग कम होती है, जिससे कि हमारे उद्योगों को ठीक रेवेन्यू जा सके। और तीसरा जो है यहाँ पे हम डिमांड ये भी करते हैं कि हमारे जो ऑफिस भी होना चाहिए एसोसिएशन लेवल पे, और जो एक एनएसआईसी का भी गोडाउन है, क्योंकि वो हमारी काफ़ी पूरी जो स्कीम है यहाँ पे गोडाउन भी होना चाहिए उनका, क्योंकि एनएसआईसी से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, लेकिन हमें हमारे उद्योगों में उसके बारे में नॉलेज नहीं मिल पाती, और एमएसएमई से भी डिपार्टमेंट से हमारी गुजारिश है कि वो इस चीज़ पे हमारे रेगुलर क्लासेज लगाई जाएँ, और क्योंकि लेबर एक हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि हमारा जो कॉरपोरेटर ट्रेड है इसका आईटी में भी ये ट्रेड बननी चाहिए, क्योंकि हमें स्किल्ड वर्कर नहीं मिल पाते हैं जिसकी वजह से हमारी मशीनरी है लगातार ख़राब हो रही है। और एक चीज़ और, जितना यहाँ पे टूल रूम भी होना चाहिए कॉरपोरेशन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग जो है अमृतसर और अदर स्टेट से होती है, और अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग कोई फॉल्ट आता है मशीनरी में तो हमें 2-3 दिन के लिए उद्योग रोकना पड़ता है, और हमें जितना भी है अपना रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमें सच करवानी पड़ती है, तो हमें गुजारिश करें गवर्नमेंट से हमें टूल रूम की भी। सर, एक आपके उद्योग की एक समस्या चल रही थी कि जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का एक मुद्दा उठा था कि यहाँ से जैसे पंजाब और हरियाणा से जो गत्ता आता है वो हिमाचल के अंदर ही सस्ता बिक रहा है, और जो हिमाचल में मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है वो गत्ता जब हिमाचल के अंदर ही बिकता है वो हायर कॉस्ट में बिकता है। सर, उसके लिए अब आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है उस मुद्दे पे? हम जितने भी यहाँ पे यूनियंस हैं उनसे लगातार पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो मटेरियल होता है फ्लावटी मटेरियल होता है, अगर एज कम फार्मा से या और इंडस्ट्री से कंपेयर करें, क्योंकि उनका जो एक गाड़ी का लोड है 20 लाख का है उनका भी सेम ग्रह है, और हमारा जो फ्लावटी माल होने के कारण हमारा तो 9 टन भी नहीं हो पाता,
और 4-5 टन है, किराया जो देना पड़ता है 9 टन का देना पड़ता है, और हमारा 1.5 लाख का अगर माल बाहर जा रहा है तो हमें कम से कम 40-50 हज़ार रुपया तो हमारा किराए में निकल जाता है। तो इसके लिए भी हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से या और लोकल यूनियन से भी है कि इसमें हमें कुछ ना कुछ रिबेट दी जाए। एंड स्टार न्यूज़ के लिए बद्दी से आदित्य कुमार की रिपोर्ट।